नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। देश की संसद में इस समय जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। एक ओर विपक्ष जहां सरकार अस्थिर हो इसके पूरे प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार भी अपना पक्ष पूरी तरह हावी होकर संसद पटल पर रख रही है। वहीं कल हुए संसद सत्र के दौरान स्मृति ईरानी सहित महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर हवाई चुम्मा देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही संसद में आज होने वाली जो अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस है वो आज के समाचार पत्रों का मुख्य सार है। साथ ही सस्ती पब्लिसिटी के लिए कुछ नेताओं के विशेष प्रयास का संदर्भ भी आज के समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानवापी परिसर की मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की गई है। साथ ही पंजाब सरकार द्वारा दैनिक भास्कर को दिए गए पूरे पेज का विज्ञापन देखकर आज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। दरअसल कल पंजाब सरकार ने दैनिक भास्कर को छोड़कर लगभग सभी को अपना विज्ञापन छापने को दिया था। इसको भास्कर की कल प्रकाशित उस रिपोर्ट से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा जिसमें उन्होंने पंजाब में नशे की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर अपने बिंदास लेखने के लिए जाना जाता है। बाकी समाचारों की सार्थकता को बनाए रखने वाले और बचाए रखने वाले समाचार पत्रों के इस संक्षिप्त सार वाले कार्यक्रम को आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। बाकी कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।